देखो मुझे जाने दो। मैं जब से यहाँ आया हूँ तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है, जल्दी करो। एक बात थोड़ी करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। देखो मुझे जाने दो, बाबा आ जाएगा। क्या हो गया यार, हमारी शादी होने वाली है। पामी! वो तुम्हें बाबा बुला रहे। क्या बातें कर रहा था वो तुम्हारे साथ? इन्हें नहीं बोला उसे कुछ। तो तुम वहां खड़ी हुई क्या कर रही थी? वो खुद मेरे सामने आ गया था, मेरा रास्ता रोका उसने। मैं क्या बोलूं उसको, तुम बताओ। ये भी तुम्हें मैं बताऊं कि तुम उसको क्या बोलो? उस पे क्यों चीख रहे हो? जब ये वहां पे उसके साथ खड़ी हुई बातें कर रही होगी तो इस पे चीखूंगा नहीं। मैंने नहीं की उससे बात। चुप करो तुम। इसकी शादी होने वाली है, आज तारीख तय हो जाएगी, फिर क्या करोगे तुम? इस पे चीखने से कोई फायदा नहीं होगा, जो करना है खुद करो। मैं क्या करूं, मेरे अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझना तो तुमको ही पड़ेगा। जाओ जाके चनार खान से बात करो, उसे बताओ जाके कि तुम अपाना से मोहब्बत करते हो। बाबा नहीं मानेगा। तो फिर अपाना को भूल जाओ। मैं अपाना को नहीं छोड़ सकता, नामुमकिन है। तो फिर जाके वो करो जो मैं तुम्हें कह रही हूं। जाओ। क्या बात कर रहा है तू? होश में तो है? बाबा मैं जानता है मैं क्या बात कर रहा। चुप, बिल्कुल चुप। अभी ये बात दोबारा अपना जबान पे मत लाना। बाबा को पता चला कयामत आ जाएगा। कयामत? कयामत आता है तो आ जाए बाबा, मैं अपाने को नहीं। तुमको पता है दुरा बाबा ने तुम्हारा बाबा को क्यों मारा? उनको लगा था मेरे बाबा उनको खाई कर देंगे। हालांकि मेरे बाबा ने कहा भी था वो ऐसा कुछ नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने मेरे पूरे घर को। पूरा बात नहीं मालूम, तुम्हारा दादा ने दुरा बाबा का बाबा को खई कर दिया था, मार दिया था, इसीलिए दुरा बाबा ने तुम्हारा बाबा को मार दिया, खई कर दिया, वरना इधर पूरा नस्ल खत्म हो जाता। लेकिन मेरे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। दिल का हाल कोई नहीं जानता बच्चा। एक बात बताओ, तुम्हारा जिससे शादी होने वाला था मोहब्बत करता था उससे? माजी की कोई बात याद नहीं करना चाहती,
मैं इस घर में बहुत खुश हूँ चिनार खान और इन लोगों के साथ। सब इस घर की खुशी मांगती हूँ। तामीर और अपना की शादी होने वाली है, घर में बहुत रौनक होगी ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आती हूँ। ये समदा अच्छा बच्चा है, हमारा सोच से ज्यादा समझदार है ये। लाला रो, ये समदा कुछ अपना अपना से नहीं लगता? यही बात तो गुलवरीन से हजम नहीं हो रहा। समझदार है तो अच्छी बात है, वरना गुलवरीन इसका हालत बरेरा जैसा कर देगा। बेचारा बरेरा। पीछे बचना नहीं चाहिए। चिनार खान को फोन मिलाओ, बताओ उसे। जी हाँ। क्या बात कर रहे तुम? गोली हमारा लाला को लगा और कहता खतरे का बात नहीं है। गोली तो पमीर खान पर चला था खान साहब। बादशाह खान सामने आ गया। बाबा को पता चला कयामत आ जाएगा। कयामत आते तो आ जाए बाबा, मैं अपाना को नहीं। बलास का है? इधर नहीं है खान साहब, वो बाहर गया हुआ। तुम किधर है फरलास खान?
क्या हो गया, क्या हो गया ये? और चलो बस करो, आप हौसला करो, हौसला, गोली बाजू पर लगाए। अभी किधर आ गया है? बोला था बादशाह खान को इन लोगों का दुश्मनी खत्म नहीं होता है, आपको नहीं आना चाहिए था। तो आम क्या पागल है जो इधर रहता है? तुम्हारा नहीं, आपको पता, लेकिन अगर गोली बाजू के जगह सीने पे लग जाता मेरा क्या बनता? गुलाब खान ने बताया कि गोली आमिर खान पर चली थी और बादशाह खान को लग गई। आमिर का तो कोई दुश्मन नहीं, ये सब इन लोगों का दुश्मन ही है जिसका निशाना हमारा बच्चा, हमारा शौहर बन रहा है। दुश्मनी कसूर वार या बेकसूर थोड़ी देखती है। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें कुछ नहीं पता, मियां नहीं रहेगा, हमारा बच्चा का शादी बन जाए कम चलना जाएगा। वो तुम ऐसे कैसे हमसे अलग हो सकता है? आप इधर से कोई भी जाएगा तो सब जाएगा, हमारा बच्चा इधर है तो तुम्हारा बच्चा भी इधर ही रहेगा, हम देखता है कौन जाता है इधर से। घर में क्या मुसीबत पड़ी है और इसको अपनी पड़ी है। अल्लाह रहीम है, शुक्र है अल्लाह का, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमारा बच्चा, हमारा बादशाह खान को अपना मान में रख दो। क्या किया तुम, ये क्या किया है? बाबा क्या, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोलता है हमसे, झूठ बोल रहा है। बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तो रास्ते में पता चला कि चाचा पे गोली चला है। बकवास कर रहे हो तुम। बाबा मैं बुजदिल नहीं हूँ, अगर ऐसा कुछ किया होता तो आपसे मुकरता नहीं, मैं चाचा पे गोली क्यों चलाऊंगा? किसने कहा कि गोली लाला पे चला है? गोली पामीर पे चला है। गोली पामीर पे चला है? अब अगर मेरे दिल में ऐसी कोई बात होती तो आपसे बात करने से पहले मैं कुछ कर नहीं लेता। बात को मत घुमाओ बरलास, बात को मत घुमाओ, अब बाप है तुम्हारा, सारा दुनिया को घुमाते तुम, हम को घुमा रहा है। अभी मैं आपको क्या बोलूं? बोलो नहीं, तुम दुआ करो कि लाला को कुछ ना हो, फिर हम घर आते हैं कि तुमसे सीधा बात करता है। जाओ सब। गाड़ी थोड़ा आस्ता चलाओ, कुछ नहीं हुआ हमको। बाबा हॉस्पिटल बहुत दूर है। लगता है बचत हो गई। हाँ, लेकिन बहुत खून बह रहा है। कुछ नहीं होता। दुश्मन हमारा इलाका में घूम रहा है और हम सब गफलत में पड़ा है। खान साहब, हम हर तरफ देखा, वो हमको नजर नहीं आया, वरना उसका सर काट के आपके सामने। सर नहीं चाहिए हमको, सर नहीं चाहिए, पूरा का पूरा पंडा चाहिए। जा, शकल गुम करो और उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक वो मिल ना जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बाबा आप तो कह रहे थे ये इलाका हमारा है और दुराब बाबा का राज है यहाँ पे, तो फिर किसकी हिम्मत हुई
इस तरह हमला करने की। बचे राज में तो ये होता है, 100 दोस्त है तो 1000 दुश्मन। तो क्या फायदा है सिराज का, जहां दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम। ये बात तुम्हारे चाचा चनार खान को समझ आए तब ना। ओ गुलाब खान यार, ये गोली मोली तो चलता रहता है, ऐसा क्या बात। अरे लाला ये बड़ा बात है, गोली हम पर चला है। गुलाब चाचा ठीक कह रहे बाबा, फिर खुदा खास्ता आपको कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होता हमको, अभी तो हमने तुम्हारे सर पे सहरा बांधना, तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना है जैसे तुम्हारे साथ खेलता था। क्या यार बाबा, अस्पताल में भी इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। यही तो बात है, किसी बात पे ये लोग संजीदा नहीं होता। गुलाब खाना तुम्हारी भी हद है यार, ऐसा कौन सा मसला है। लाला ये बहुत बड़ा बात है, तुम क्या कहते हैं, ये कोई खुशी का बात है। पहले गोली हम लोग चलाता था, आज गोली हम पर चला है। गोलियां जो भी चलाए, मुझे समझ में नहीं आता गोलियां चलाना इतना जरूरी क्यों है। लाला, लाला तुम ठीक है? चार खान हम ठीक है, तुम सब घबराया क्यों हुआ? लाला हमला हुआ है तुम पे। घबराने का बात है लाला, दुश्मन हमारे बहुत करीब है। तुम तो छोड़ो यार गुलाब खान। छोड़ना नहीं है लाला, छोड़ना नहीं है, चाहे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाए हमने छोड़ना नहीं है। तुम ठीक है? हाँ। डॉक्टर क्या कहता है? बस कहता है कि ले जाओ। लाला घर चले? जैसा तुम्हारा मर्जी। चलो तारे मारे उतारो यार ये। हाँ वामीर गाड़ी में चल। ठीक है ठीक, चलो। इधर आओ बैठो हमारा पास बैठो। चलो सीधा सीधा बात बताओ। पापा मैं आपसे पहले भी उल्टा बात नहीं किया। नहीं, हमारा आंखों में आंखें डालकर सीधा बात बताओ। मैं कुछ नहीं किया। हम करें तुम्हारी बात देखे। पापा इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता है, आपका कसम मैं कुछ नहीं किया। दूल्हा खुद देख कर आए, उन्होंने सिर्फ 3 लाशें दफन किए, दूल्हे का लाश उन्हें भी नहीं मिला। चनार खान अगर इसका बात सच और तुम्हारा बात झूठ साबित हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो जख्मी शेर है, बड़ा नुकसान करेगा। अदीब बच गया बाबा, परेशानी का कोई बात नहीं है। बादशाह खान ये गोली हमारा पगड़ी में लगा है, हमारा इतना दुश्मन है मगर आज तक किसी ने हमारे घर पे हम पे गोली नहीं चलाया। शुक्र है अब आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है। हम तो ये कब से कह रहे हैं। क्या कह रहा है? ओहो बाबा जान आप बैठ तो जाओ, परेशान क्यों होता है पता चल जाएगा। हाँ बोलो क्या कह रहा है। बाबा हम तो सिर्फ इतना जानता है चनार खान की वजह से दुश्मन खत्म नहीं हो रहा, रोज नया दुश्मन पैदा हो रहा है। उनको माफ कर दो लाला, गलती हमारा है। कैसा बात करता है तुम चनार खान, शर्मिंदा करता है हमको तुम। शर्मिंदा तो हम है बादशाह खान, तुम पर गोली चलने से पहले हम मर क्यों नहीं गए।
अभी मेरा दिल करता है कि ये जमीन पट जाए और हम इसके अंदर दफन हो जाए। ऐसा बातें नहीं करो बाबा, अभी हम में से कोई जमीन के अंदर नहीं जाएगा। जमीन के अंदर जाएगा तो वो दुश्मन जाएगा, और आपको पता है हमको दुश्मन का सर नजर आ रहा है। चनार खान ऐसे ऐसे जमीन में से उसका सर निकालेगा। अभी अभी ठंडा हो जाओ यार। तुमको ऐसा देखते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता हमको। अभी पामिर खान को बोल रहा था, जो भी हमारा दुश्मन है ना, वो भी आराम का मौत मरेगा। वो नहीं लैला, नहीं, आराम का मौत नहीं मरेगा, क्योंकि जो चनार खान से दुश्मनी करता है ना, उसका मौत बताऊं। गुलाब खान, तुमको लगता है कि ये सब हमारा वजह से हुआ है ना, तो एक काम कर, निकालो अपना बंदूक और मार दो हमें। चनार खान देख रहा है बाबा, सुन रहा है इसका बातें। इसका यही तरीका हमें यहां तक लेकर आया है। अपना तरीका नहीं बदलेगा, उल्टा हमको बातें सुना रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझाएगा। अभी तुम भी समझो, चनार खान का इसी मिजाज की वजह से हमारा सारा दुश्मन हमसे डरता है। अगर तो गोली बर्लास्त ने चलाई है तो तीर निशाने पे लगे, लेकिन अगर बादल ने तो या ला बादल की हिफाजत करना। जमदा, जमदा जी, क्या नाम क्या है उसका? किसका? जिसका साथ तुम्हारा शादी हो रहा था। नाम बादल, बादल नाम है उसका। है या था? क्या कह रहे हैं आप, मैं कुछ समझ नहीं रही। है का मतलब है कि वो जिंदा है। तुम्हें था कहना चाहिए था। तुम्हें कैसे पता कि वो अभी तक जिंदा है? ओ, आप लोगों को बात करते हुए सुना था कि दूल्हे की लाश नहीं मिली। मैं समझी। हुआ था ये बात, हुआ था। क्या नाम क्या था उसका? अभी बताया तुमने, बादल। उस बादल ने गरजना शुरू कर दिया है और बरसने की कोशिश कर रहा है। अब कोई तुमसे उसका नाम पूछे ना तो बोलना उसका नाम बादल था। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। बंदूक तुम्हारे हाथ में था और दुश्मन तुम्हारे सामने, फिर भी बच गए। मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, मेरा निशाना कैसा खता हुआ। लेकिन हमको समझ आ रहा है, तुम जज्बात से काम ले रहे,
तुम्हारा वो गुस्सा था जिसकी वजह से नाकामी हुआ है। अपने आप को थोड़ा ठंडा करो और अकल से काम लो। ऐसा दीवानों की तरह करेगा तो हम तो जंग हार जाएगा। तुमको मालूम है हमको जंग हारना नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं हारना चाहता हूं? तो उनकी किस्मत अच्छी थी, आगे उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देगी। अगली बार हमला में हम तुम्हारा साथ जाएगा। हम देखे तुम थोड़ा दीवाना है। ये दीवानों का खेल है, पागलों का खेल है। अकलमंद तो इससे पनाह मांगता है। कितना बोला था बादशाह खान, पर तुमने हमारा एक नहीं सुना। अभी तुम कितना दफा बोलेगा ये बात? जब तक तुमको समझ नहीं आएगा ना, बोलता रहेगा। हाँ बोल, बोलता रहो, लेकिन हमारा फैसला वही होगा। अभी हम किधर ही नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा अपना गांव में, अपना भाई और अपने बाबा जान के पास। हमारा क्या कसूर है? हमारा बच्चा का क्या कसूर है? बादशाह खान सोचो, अगर उसको कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता है। कैसा बाप है तुम? वो तुम पामीर का फिक्र छोड़ो, वो हमारा खून है, हमारा। तुम आराम से सो जाओ और उसका शादी के बारे में सोचो, बाकी सब छोड़ो, तुम सो जाओ। बादल ने गरजना शुरू कर दिया है, बरसने की कोशिश कर रहा है। अब कोई तुमसे उसका नाम पूछे ना, तो बोलना उसका नाम बादल था। बादशाह लाला पे किसने गोली चलाई, कुछ पता चला? पता तो चला, लेकिन अभी तक वो हमारे हाथ नहीं आया। बाबा बता रहे थे कि वो तुम्हारे दोनों थे, और मुझे लगा तुमने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। मुझे अपाना के अलावा किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है।
एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का सबूत देने का क्या फायदा? तुम दोनों को तो अपनी मोहब्बत पे यकीन है ना, उनको यकीन दिलाओ जिनको तुम्हारी मोहब्बत का पता नहीं। बाबा से तो मैंने बात किया था, मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा तो तुम अपाना से बात करो, वो क्या कर सकती है तुम्हारे लिए? इन हालात में उससे कैसे बात करूं? मैं करवाती हूं ना तुम दोनों की मुलाकात। अभी रोज रोज कहां मजार में मिल सकते हैं, वैसे भी जो बाहर के हालात है मुझे कोई घर से नहीं निकलने देगा। मुलाकात घर में ही होगी। कैसे? वो मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम हमारा क्यों इतना साथ दे रही हो? मोहब्बत करने वालों का साथ देना तो नेकी है ना। को मोहब्बत नहीं मिलती सिर्फ वही समझ सकते। ये तो मुझसे क्या बातें कर रहा था? किससे? जमदा से और किससे? कुछ नहीं, वो बस चाचा की तबीयत का पूछ रहा था। अब पूछ रहा था जिसने गोली मारा वो पकड़ा गया कि नहीं। अच्छा अच्छा, उसको बड़ा फिक्र। फिक्र क्यों नहीं होगा, आखिर वो भी घर का औरत है। तुम तो पागल है, आखिर कहाँ चलने गया तुम्हारा? उसके घर वालों को तुम लोगों ने मारा, तुमको क्या लगता वो भूल गया? और जिसके बाप को जवान भाइयों को मारा वो कभी नहीं भूलता। अम्मा हम अच्छी तरह जानता है आपको हमारा उससे बात करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, पर हमारा बात गौर से सुनो, वो भरोसा के काबिल नहीं है। मुझे तो उसमें ऐसा कोई खराबी नजर नहीं आया। और तुम तो मर्द है, और तुमको क्या पता? औरत के अंदर पूरा दुनिया होता है, उसके अंदर क्या चलता है किसी को नहीं पता। बाप को भी ऐसा ही पागल बना, आपको भी ऐसा पागल ना। खाली प्लॉट की तस्वीरें क्यों दिखा रही हो? यहीं तो स्कूल बनेगा। हाँ जगह तो अच्छी है, लेकिन स्कूल बनाना मुश्किल है यहाँ पे जमदा, यहाँ की जमीन खून मांगती है। मैं नहीं मानती, ये सिर्फ तालीम की कमी की वजह से, और इन बच्चों का भी तो हक है ना कि इनको तालीम मिले। बात तो ठीक है, हम बनाते हैं यहाँ पे स्कूल, तुम बन जाना प्रिंसिपल, मैं बन जाऊंगा मैथ्स का टीचर, और हमारे बच्चे भी चले जाएंगे इस स्कूल में। बस बस, जितनी स्पीड से तुम आगे बढ़ रहे हो ना, उस स्पीड से हम बूढ़े भी हो जाएंगे और जल्दी मर भी जाएंगे। नफरत का रास्ता भी ना बिल्कुल मोहब्बत की तरह होता है।
और मैं इस रास्ते पे निकल आऊंगा। अभी तो सिर्फ एक लाश उठी है, तो राब खान के घर में गिनती करने वाला कोई नहीं होगा। मैंने शुरुआत कर दी है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा।